छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीनों का वक्त है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं जमीनी स्तर की अगर बात करें तो विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा जहाँ क्षेत्र अब आदिवासियों का इलाका है, अब वो पानी पीने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। ग्राम पंचायत पुरपुटाका आश्रित ग्राम चांटा में 70 सालों से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले लगभग 150 बेगा आदिवासी झरिया का पानी पीने को मजबूर है और ग्राम पंचायत खाम ही के आश्रित ग्राम रोखनी के करण कोन्हा पारा के रहने वाले आदिवासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। मोहल्ले में एकमात्र सरकारी हैंडपंप है जो कि एक महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बेगा आदिवासियों को पीने के पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है, जिस पर पेयजल नहीं मिलने से भोजन बनाने में कई तरह की समस्याएं हो रही है। आदिवासियों का अधिकतर समय पानी भरने में ही निकल जाता है। बेगा आदिवासियों ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब ये बार पानी नहीं मिला थे, अब खराब हो गया थे, नाम से खाना बनाना मुश्किल पड़ा थे पानी की वजह से। मतलब पूरा गंदा पानी पीने के ना बताने वाला है पीछे लगते। हमला बने दुरिया पानी पर जाता है, बिकट रंगाई होता है, सुतावत जात हम, हमार बोरिंग बिगड़ गए, हम कहाँ ले पीवन। नंदी एक पीवन का तरिया के साहब कौन लो बता डर हैं। पानी कोई भी आई है कुछ भी काम लेकर, लेकिन पानी की समस्या बतावत हम। ठीक, अब ये पानी हमारे नजर में नहीं दिखत, जे नदी का आरावा थे तेखर नजर में सब तो दिखत है ना, हमारे नाल है कि नहीं है। अभी खाली तरफ जाए क्या कि बोरिंग सुधार, नवा बोरिंग आउ दे तब तो पड़ता पड़ ही बिगड़ दूर ही पड़ता है।